आज हम शुरू करने जा रहे हैं बायोलॉजी का एक चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। कोई भी काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से। अब सबसे पहले हम खाने को खाते हैं, जिसे कहते हैं इंजेशन। उसके बाद उस खाने का हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, यानी कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनको हमारे शरीर में एंजाइम्स के द्वारा सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स, यानी कि ऐसे रूप जिसे हमारी बॉडी इजीली एक्सेप्ट कर सके, उनमें तोड़ा जाता है। उसके बाद इनको एब्जॉर्ब किया जाता है, एसिमिलेट किया जाता है। इसका मतलब कि इस खाने से एनर्जी बनाई जाती है, और इसके बाद जो बच जाता है उसे शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है, जिसका मतलब है एक्सक्रीशन। अब इस खाने में क्या क्या मौजूद है? सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, और इनके साथ साथ ही हमारे इस खाने में विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। अब हम बढ़ते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको कि एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, उसकी तरफ। सबसे पहले खाना जाता है हमारे मुंह, यानी कि बकल कैविटी में, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक यानी कि हमारा पेट, उसके बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जिसे हम कहते हैं। इसके तीन हिस्से हैं, डियोडेनम, जेजुनम एंड इलियम। उसके बाद ये खाना जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि बड़ी आंत में। इसके भी तीन भाग हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। उसके बाद खाना जाता है एनस से, और एनस के द्वारा ये खाना शरीर के बाहर फेंक दिया जाता है। एक बारी आप डायग्राम के थ्रू देखें तो सबसे पहले मुंह, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक यानी कि पेट, उसके बाद छोटी आंत यानी कि डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद ही खाना जाता है सीकम, कोलोन और रेक्टम के थ्रू, और उसके बाद एनस, इसका मतलब शरीर के बाहर जो बचा कुचा होता है उसे फेंक दिया जाता है। उसके बाद अब इनके अलावा हमारे शरीर में डाइजेशन में मदद करने के लिए एक्सेसरी ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। इनके नाम हैं, सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड, जो कि हमारे मुंह या उसके आसपास के एरिया में मौजूद होते हैं। इनका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड। इसके अलावा लिवर भी मौजूद है, जिसको हीपार भी बोलते हैं। और तीसरा और आखिरी पैंक्रियाज, जो कि हमारे डाइजेशन में मदद करता है। अब इन सब भागों को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है मुंह, ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी जिसको बोलते हैं। इसकी बाउंड्रीज अगर आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ से पलाटे, नीचे से गला, थ्रोट और साइड में जॉज यानी कि हमारे जबड़े आते हैं। इस हमारे बकल कैविटी के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, एक टंग और दूसरी टीथ। ये टंग एक मसल है जो कि अपने हिसाब से काम करती है। ये मुँह की से फ्रेनुलम के द्वारा जुड़ी हुई है। इसके ऊपर पैपिला प्रेजेंट होते हैं, और इन पैपिला के अंदर टेस्ट बड्स होते हैं, जो कि हमें किसी भी चीज़ का टेस्ट पहचानने में मदद करती हैं। अब हमारी जीभ यानी कि टंग के तीन मेन फंक्शंस होते हैं, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा, इसका मतलब खाने को सलाइवा से मिक्स करना, जिसको हम इंग्लिश में च्यूइंग भी कहते हैं। उसके बाद ये हमारे बोलने में मदद करती है, और तीसरा टेस्ट पहचानने में। उसके बाद आते हैं हमारे टीथ। टीथ बोन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो कि हमें खाने में, किसी चीज़ को पकड़ने में और उसे तोड़ने में मदद करते हैं। ह्यूमन टीथ यानी कि इंसानों के दांत, डाइफायोडोंट हम उन्हें कहते हैं, जिसका कि मतलब है एक ही जिंदगी में दो बार दांत आना। पहले बोलते हैं दूध के दांत, टेम्पररी टीथ, और दूसरा बोला जाता है परमानेंट टीथ यानी कि पक्के दांत। इनको हम हेट्रोडोंट भी कहते हैं। हेट्रोडोंट मतलब कि चार तरह के टीथ एक ही मुंह में, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। ये चारों मिलकर हमारा बनाते हैं डेंटल फॉर्मूला। अब इसे याद रखें, क्योंकि ये नीट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दूध के दांत का फॉर्मूला है 2102/2102। ये इसी ऑर्डर में है, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स। इसका मतलब है कि बच्चों में प्री मोलर्स प्रेजेंट नहीं होते। परमानेंट टीथ यानी कि पक्के दांत का डेंटल फॉर्मूला है 2123/2123।
इनका मैमल्स में जनरल फॉर्मूला है डेंटल टीथ का 3143/3143। अब आप इस डेंटल फॉर्मूले के थ्रू एक किसी भी बच्चे या किसी भी इंसान के मुंह में कितने दांत हैं इसका पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर आप दूध के दांत गिनने लगें तो ये होगा 2+1+0+2, इसका मतलब 5। ये ऊपर के हिस्से के आधे दांत हैं, इसका मतलब ऊपर के हिस्से में टोटल कितने दांत हुए? 10। ऐसे ही नीचे के हिस्से में भी 2+1+0+2, इसका मतलब नीचे के आधे हिस्से में 5 दांत हैं, तो दोनों हिस्सों में 10 दांत हैं। दोनों हिस्सों को मिला, फिर दोनों हिस्सों में 10 दांत हैं और ऊपर और नीचे के जबड़े को मिलाएं तो इन ऑल 20 दांत। ऐसे ही परमानेंट टीथ को अगर आप गिनें तो 2+1+2+3, इसका मतलब 8 दांत एक तरफ, 16 दांत एक जबड़े में और दो जबड़ों को मिलाया जाए तो 32 दांत। जनरल फॉर्मूला फॉर मैमल्स यानी कि 3143/3143, इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो एक मैमल जैसे कि घोड़ा, गधा, इनके मुंह में 44 यानी कि 44 टीथ होते हैं। हाथियों में ये फॉर्मूला होता है 1003/0003। ये जो ऊपर वाला 1 इंसाइजर है इसको हम ये मॉडिफाइड होता है टस्क बनाने के लिए, ये टस्क वही है जिससे आइवरी बनता है, तो ये और नीचे जो गैप बच जाता है जहाँ पे कोई दांत नहीं है इसे हम डायस्टीमा कहते हैं। आगे बढ़े तो आते हैं टीथ के स्ट्रक्चर, दांत के स्ट्रक्चर पर। फिजिकली अगर आप उसे डिवाइड करें तो इसके तीन हिस्से होते हैं, क्राउन यानी कि सबसे ऊपर वाला हिस्सा, नेक यानी कि गला जो कि बीच वाला हिस्सा है, और रूट जड़ जिससे कि दांत हमारे सॉकेट में अटैच्ड होता है। सॉकेट मतलब जबड़े में अटैच होता है, इसीलिए हमारे क्योंकि ये ऐसे जबड़े में अटैच है तो इसलिए हम अपने टीथ को थीकोडोंट भी कहते हैं। क्राउन जो हिस्सा है वो इनैमल से कवर होता है। इनैमल दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है और ये बनाया जाता है अमीलोब्लास्ट सेल्स के द्वारा। उसके बाद एनामल के नीचे होती है डेंटाइन लेयर, इसको सिक्रीट करते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स, और इनके भी नीचे होती है पल्प कैविटी जिसके अंदर नर्व फाइबर्स और सारी ब्लड वेसल्स का कनेक्शन होता है। दांत का फंक्शन तो आपको मालूम ही होगा, मैस्टिकेशन ऑफ फूड यानी कि फूड के बड़े बड़े दानों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना और उसे एक सेमी सॉलिड मटेरियल में कन्वर्ट करना जिसे कि हम कह देते हैं काइम। अब इसके आप कुछ ज़रूरी क्वेश्चंस के थ्रू जाएंगे तो पहला क्वेश्चन आता है, प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमंस डिफर्स फ्रॉम परमानेंट डेंटिशन इन नॉट हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ। इसका मतलब कि बच्चों में वो कौन से दांत हैं जो बड़ों में होते हैं और बच्चों में नहीं होते, तो ऑप्शंस में देखेंगे आप तो मोलर्स, इंसाइजर्स, केनाइंस, प्रीमोलर्स। तो इसका जवाब मैंने आपको पहले ही बताया है, इसका जवाब है प्रीमोलर्स। अगला क्वेश्चन आप देखें तो है, हाउ मेनी टीथ इन ह्यूमंस आर मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मतलब जो जीवन में सिर्फ एक ही बार आते हैं। ऑप्शंस हैं 16, 32, 12 और 20। मैंने बताया कि बच्चों में 20 दांत होते हैं और बड़ों में 32, तो इसका मतलब 12 दांत ऐसे हैं जो जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं, तो इसका उत्तर हुआ 12 दांत। अगला सवाल है, स्पेस इन द जॉ बोन अनऑक्यूपाइड बाय टीथ इज नोन एज क्राउन, डेंटाइन, इनेबल और डायस्टीमा। इसका जवाब मैंने आपको बताया डायस्टीमा। इसका एक फंक्शन होता है जो कि है मुंह में एक गैप क्रिएट करता है जहाँ पे कि खाना जाता है और दांतों के चबाने के लिए रेडी होता है। आज के लिए इतना ही, अगले लेसन में ट्री कैनाल के दूसरे भागों को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।